गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो है एक सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लेकर के है। स्टूडेंट देखिएगा, अब से कुछ देर पहले आपके कार्यालय संयुक्त निदेशक यानी कि आपके ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस से एक लेटर मूव हुआ है संबंधित डीओ को। उस जॉन के जितने भी डीओज हैं, आपके चूरू के हो गए, सीकर के हो गए, झुंझुनू के हो गए या नीम के थाना के हो गए, उन सभी को ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस से यानी कि संयुक्त निदेशक ऑफिस से एक ऑर्डर मूव हुआ है, एक लेटर मूव हुआ है जिसमें कि उनसे दो जानकारियां मांगी गई हैं। नंबर वन, और दोनों जानकारी स्टूडेंट आपके सेकेंड गेट भर्ती परीक्षा से संबंधित है। एक कि भाई एसटीएससी पदों के बैकलॉग की सूचना, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि सेकेंड गेट भर्ती में इस बार जो 2022 में जो 40% वाला नियम था उसकी वजह से आपके हर सब्जेक्ट में, काफी सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट आपके पद खाली रह गए थे, तो उसके एवज में आपके एसटीएससी के बैकलॉग की सूचना चाहिए गई है। और नंबर दो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आगामी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थना भिजवाने के संबंध में संबंधित डीओ से पद जो रिक्त है विषय वाइज उनकी सूचना चाहिए गई है। बिल्कुल क्लियर कट है, आप चाहो तो मैं आपको वो पूरा लेटर, आप अगर मुझे डिमांड करोगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं सेंड भी कर दूंगा। क्लियर कट स्टूडेंट उसमें डिमांड की है जेडी ऑफिस से संबंधित डीओ को, झुंझुनू, सीकर, नीम के थाना डीओ को, कि भाई आप सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा संबंधित जो अभ्यर्थना भिजवाई जानी है उसके संबंध में आपके यहाँ पर जो भी पद रिक्त हैं उनके बारे में और एसटीएससी के बैकलॉग के संबंध में आपसे जानकारी चाहिए गई है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि अभी चूंकि ये जानकारी मांगी जा रही है, अभी जानकारी हर एक जेडी ऑफिस से आपके निकाली जाएगी, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, आपके उदयपुर हो गया, और सभी से स्टूडेंट ये एक बार जानकारी मांगने के बाद उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद में कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर डीपीसी है, उसके बाद में वास्तविक पदों की स्थिति का पता चल पाएगा कि कितने पदों पर सेकेंड ग्रेड की भर्ती आएगी, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है, डूबते को तिनके का सहारा, उम्मीद है कि भाई प्रोसेस जो है वो चल रहा है, सब कुछ रुका हुआ नहीं है, प्रोसेस जो है चल रहा है स्टूडेंट। और उम्मीद है कि चूंकि अभी स्टूडेंट आपकी जो मई माह चल रहा है, तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस अगर आपका 3 से 4 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, सारी भर्तियों की रिक्तियों की कितनी रिक्तियां हैं विषय वाइज उसकी सूचना, उसके बाद वित्त विभाग, फिर कार्मिक विभाग, फिर आरपीसी के पास अभ्यर्थना जाएगी। अगर उन सब में अगर आप 3 से 4 माह मान लो, है ना, 3 से 4 माह मान लें स्टूडेंट, तब भी स्टूडेंट आपके पास में सितंबर का टाइम आता है, सितंबर या आपकी अगस्त लास्ट में संभावना पूरी पूरी बनती है। जो मैंने हमेशा कहा है कि आपके मानसून के अंदर इस बार भर्तियों की बरसात होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से भी अगर हम 3 से 4 महीने पकड़े, अलग अलग विभाग के वहां से क्लियरेंस होने के लिए जाएगी फाइल, उसके बाद में आरटीसी के पास में, लेकिन उम्मीद पूरी पूरी है कि 2024 में आपको मुझे लगता है कि खुशखबरी मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है और उसका कुछ न कुछ सही नतीजा आपके लिए जरूर खुशखबरी लेकर के आएगा। तो आपको अपनी तैयारी को हमेशा गति देते रहना है, उसको बीच में ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही लेटर जेडी ऑफिस से हर एक डीओ के पास में जाएंगे, फिर वो अपनी सूचना कंपाइल, उन्होंने तो तुरंत सूचना मांगी है कि अभी तुरंत सूचना जो है वो उसको सेंड करिए। तो ऐसे ही हर एक जेडी ऑफिस से ये सूचना मांगी जाएगी संबंधित डीओ से, और उसके बाद में ये सूचना जाएगी, उसके बाद में कितना डीपीसी होता है, कितना आरपीसी के लिए पद बचते हैं, क्योंकि वर्तमान में बता दूं आपको हाथ दर्पण पर 33,000+ पद खाली दिखा रहे हैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक के, टोटल ये वर्तमान की स्थिति है शाला दर्पण की, 33,000 कुल पद खाली दिखा रहे हैं। अब क्या पदों की वर्तमान स्थिति, अब ये जो भी पद शाला दर्पण पे है 31/3/2024 के अकॉर्डिंग, तो सीधी सी बात है इसी के लमसम कुछ कुछ आंकड़ा पहुंचेगा। अब उसमें से डीपीसी क्या रहती है, आरपीसी, तो उसमें देखिए कितनी पदों पर भी डीपीसी हो, लेकिन आरपीसी एक बड़े पदों पर आनी दिख रही है आपको कि पदों की संख्या काफी बड़ी संख्या में खाली है, तो इसलिए आपको कमर कसकर अच्छी तैयारी में लग जाना है, ठीक है, सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दे करके और अपनी तैयारी जो है आपको पूरे मनोयोग के साथ करनी है, उसको ब्रेक नहीं देना है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जरूर आएगी, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा समय लग सकता है 3-4-5 महीने का, लेकिन रुकेगी नहीं, आएगी जरूर, ठीक है। और 25 फिर आपका है ही एग्जाम का टाइम, ठीक है, तो आप लगातार मेहनत करती है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में लगभग 6 से 7 माह पूरे लग जाते हैं केवल सिलेबस कंप्लीट करने में,
उसके बाद आपका रिवीजन बार बार, 2 से 3 बार रिवीजन, तब जाकर के आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है सर, तो बहुत जरूरी है आपकी लगातार तैयारी करते रहिए। मैं वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही रहता था ज्यादातर, ऐसी आपको न्यूज के थ्रू आपको जो डीमोटिवेट दो स्टूडेंट हो जाते हैं कई बार कि सर अब तो क्या भर्ती आएगी 2024 के बाद, चुनाव के बाद बहुत मुश्किल है, अब तो 25-26 तक ही आएगी स्टूडेंट, ये तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, आपके जो प्रयास है वो जरूर आपके लिए सफलता लेकर के आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।